देखो क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट सेक एक्स माइनस वन। मैंने तुम लोगों को ना इस एक्सरसाइज के स्टार्टिंग में बताया था हमारी प्रायोरिटी क्या होती है कि न्यूमरेटर में से रूट हट जाना चाहिए, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है अंडर रूट वन अपॉन कॉस एक्स माइनस वन डी एक्स, कोई दिक्कत तो नहीं, एलसीएम ले लिया, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स डी एक्स, ये आ गया। ये रूट हटना है ऊपर से, ऊपर से रूट कैसे हटेगा, अगर हम इसे ऊपर नीचे वन प्लस कॉस से मल्टीप्लाई करा दें, वन माइनस कॉस एक्स अपॉन कॉस एक्स इन टू वन प्लस कॉस एक्स अपॉन वन प्लस कॉस एक्स। अभी किसी बच्चे के दिमाग में हो सकता है ये ख्याल आए कि अगर हमने वन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई किया तो भी रूट हट जाएगा, बिल्कुल हट जाएगा, लेकिन नीचे जो कॉस है ना, कॉस का डिफ्रेंशिएशन ऊपर बनाना पड़ेगा साथ साथ, ये भी सोचना पड़ेगा, साइन बनाना पड़ेगा, साइन बनेगा नहीं है ना इसमें तो नहीं, अगर ऊपर नीचे माइनस वन माइनस कॉस से मल्टीप्लाई करो तो ऊपर साइन नहीं बनेगा, और इसमें दोनों पर्पज सॉल्व हो जाएंगे, रूट भी हट जाएगा और साइन भी बन जाएगा। अंडर रूट वन माइनस कॉस वन प्लस कॉस क्या हो गया, वन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। अब यहाँ क्या हो गया, ये अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, क्या आ गया ये साइन एक्स अपॉन अंडर रूट कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स को टी रख दें, कॉस एक्स को हमने टी रख दिया, डिफरेंशिएशन करो, माइनस का साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, तो साइन एक्स डी एक्स की जगह क्या आ जाएगा, माइनस डी टी, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन करने का जुगाड़ भी मिल गया, और अगर हम केवल वन माइनस से मल्टीप्लाई करते तो साइन नहीं बनता, अभी साइन एक्स डी एक्स की क्या जाएगा, माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट, ये टी स्क्वायर प्लस टी हो गया, ये टी स्क्वायर भाई, टी स्क्वायर प्लस टी है ना। एक काम करते साथ साथ में वो भी कर लेते हैं, चलो अगली स्टेप में कर लेंगे, अंडर रूट लोगों को माइनस डी टी अपॉन अंडर रूट, परफेक्ट स्क्वायर बना ले, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस वन बाई टू का स्क्वायर और माइनस वन बाई टू का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या हो गया, टी प्लस वन बाई टू का स्क्वायर माइनस वन बाई टू का, बताओ जरा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, क्या होता भाई, लॉग एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस, यही तो आता है, ठीक है, पुट कर दो हमला, तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसका हो गया लॉग, ये माइनस लॉग एक्स, एक्स की जगह क्या आ गया, एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी कि ये पूरी वाली वैल्यू ना, यानी ये पूरी वाली वैल्यू, यानी कि ये वैल्यू ए रख दें, टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टी, दोबारा समझा देता हूँ, देखो जो ये लिखा हुआ था वही तो लॉग यहाँ प्लस में आ जाता है ना, यहाँ क्या लिखा था, ये वाली वैल्यू यहाँ आनी चाहिए थी, ये और ये बराबर है और ये बराबर है, तो इसे बाद में फिर मैं सॉल्व करूँ तो इससे बड़े डायरेक्ट वही ना रख दूँ, तो माइनस का लॉग टू टी प्लस वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट टी स्क्वायर प्लस टी प्लस टी की वैल्यू क्या थी हमारे पास, कॉस एक्स, तो माइनस का लॉग टू कॉस एक्स प्लस वन अपॉन टू प्लस अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस, ठीक है। हो सकता है जो सॉल्यूशन दे रखा हो उसमें ये टू ना हो, क्यों, क्योंकि उन्होंने प्रॉपर्टी लगा दी लॉग एम अपॉन एन की, तो उधर ले चले, ठीक है, मे भी पॉसिबल कि ये टू ना, ठीक है,